भोपाल की हम बात करेंगे, जहां पर चलती कार से स्टंट करना महंगा पड़ा है युवक को। ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ्तार किया है युवक को। बता दें, वीडियो वायरल हुआ था, युवक का सराकिया ब्रिज पर रात में स्टंट कर रहा था। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है युवक को। ये तस्वीरें भोपाल की आप देख रहे हैं। आए दिन हम भोपाल की तस्वीरें देखते हैं, जहां पर स्टंट करते हुए कुछ युवा नजर आते हैं। रील्स बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और उसके बाद ये रील्स बनाना उन्हें भारी पड़ती है, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से एक्टिव रहती है इन मामलों में, और गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है इसी तरह के वीडियो बनाने में। पर सबक जो है लोग नहीं ले रहे, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर एक बार और देखने को मिली है, जहां पर कार पर चढ़कर युवक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है, और अब इस युवक की गिरफ्तारी हो गई है। युवक का स्टंट करना भारी पड़ा है, ये भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे के पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। और अब बात भिंड की, जहां बेखौफ अपराधियों ने पुरानी रंजिश में एक युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि तीन अपराधियों ने युवक को गोली मारी। गोली युवक के जबड़े में लगी। खबर सुकमा से है, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश को सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने नाकाम कर दिया। जवानों ने सर्चिंग के दौरान मिले आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। नक्सलियों ने आईईडी को जवानों को निशाना बनाने के लिए यह प्लांट किया था। और छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। गणेश चतुर्थी पर सियासत गर्मा चुकी है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाए हैं, राजधानी में सड़कों की बदहाली से गणेश उत्सव के आयोजक चिंतित हैं। भगवान गणेश के पंडालों को बैठाने की सुगम व्यवस्था नहीं कर पा रही है सरकार। सड़कों की व्यवस्था सरकार सुधारे। आ गई है और इसको को पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा रायपुर शहर उत्सव के रूप में मनाता है। पूरे गणेश के पंडाल वाले परेशान हैं, सड़कों पे इतने गड्ढे हैं कि उनको डर लग रहा है कि हम मूर्ति लाएंगे तो कहीं वो खंडित ना हो जाए। जो दर्शन करने वाले लोग आएंगे, पानी गिर गया तो कहीं वो गड्ढों में ना गिरें। इसको रायपुर नगर निगम को, सरकार को तुरंत चेतना चाहिए। जितने सड़कें हैं उनके गड्ढों को भरना चाहिए। गणेश पंडालों के आसपास जो गंदगी और गड्ढे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। सेहत की किसी को लाडली बहनों के खातों में चौथी किस्त जारी। ग्वालियर से सीएम शिवराज ने राशि की ट्रांसफर, विकास की सौगात दी। ग्वालियर को सीएम ने 387 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 23 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल। कमलनाथ ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिंधिया की सलाह। प्रदेश में आईफा वोट कराने पर किया जुबानी हमला, कहा बोरिया बिस्तर बांधिए जाइए बोले। नरसिंहपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बच्चे, कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे बच्चे। स्टेशन थाने में शिकायत दर्ज। रतलाम में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में विवाद। भाजयुमो के दो नेता आपस में भिड़े। शुभन गुर्जर और राकेश पाटीदार को बीजेपी ने नोटिस जारी किया। रतलाम में मोबाइल टावर पर चढ़ा सरफराश, एक तरफा प्यार का मामला। नामली कस्बे की घटना। बुरहानपुर में अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप, करीब 20 फीट गहरा बना गड्ढा। नगर निगम पर लापरवाही के आरोप। शोपुर में छेड़छाड़ के आरोपी सीएमएचओ का वीडियो आया सामने। पीड़ित परिवार से माफी मांगने का वीडियो। मामले में पुलिस कर रही लीपापोती। पीएम मोदी ने भारत मंडपम का किया दौरा, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का जायजा लिया। ब्राजील में होगी अगली G20 समिट। 2024 में ब्राजील करेगा अध्यक्षता। भारत ने ब्राजील को मेजबानी सौंपी।
G20 के सफल आयोजन पर गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा मोदी जी के विजन पर खरा उतरा समझ। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की पूजा, अक्षरधाम मंदिर के बाहर सुरक्षा रही कड़ी। G20 में छत्तीसगढ़ का जलवा, फर्स्ट लेडी को भाई मिलेट्स के लड्डू, सभी को बस्तर आने का निमंत्रण किया। टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू 14 दिन की रिमांड पर, भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में दो टीचर्स के बीच जमकर मारपीट, वीडियो हो रहा वायरल, खराजी टोला के मिडिल स्कूल का मामला। लाडली बहनों ने खातों में चौथी किस्त जारी की, ग्वालियर में सीएम शिवराज ने राशि ट्रांसफर की, विकास की सौगात दी। ग्वालियर को सीएम ने 387 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी, 23 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल, कमलनाथ दिलाई सदस्यता। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिंधिया की सलाह, प्रदेश में आईफा अवार्ड कराने पर किया जुबानी हमला, कहा भूया बिस्तर बांधिए और जाइए बॉलीवुड। नरसिंहपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बच्चे, कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे बच्चे, स्टेशन थाने में दर्ज मामला। रतलाम में बीजेपी की जनआशीर्वाद यात्रा में विवाद, भाजयुमो के दो नेता आपस में भिड़े, शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार को बीजेपी ने नोटिस जारी किया। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मोबाइल टावर पर चढ़ा सिरफराशिक, एक तरफा प्यार का मामला, नामली कस्बे की घटना। छत्तीसगढ़ बीजेपी 12 सितंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर करेगी शुरुआत। अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान, छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में जाएगी यात्रा, सरकार की नाकामी को जन जन तक पहुंचाएंगे। 21 सितंबर को प्रियंका गांधी आ सकती हैं छत्तीसगढ़, भिलाई में आयोजित राज्य महिला सम्मेलन में होंगे शामिल, कार्यक्रम में महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी, आज भी पोस्टर लेकर चलाएंगे जनजागरण अभियान, बड़े नेता होंगे शामिल। कांग्रेस के आंदोलन पर नारायण चंदेल का बयान, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, जनता का दिमाग डायवर्ट करने के लिए आंदोलन। अंबिकापुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 3 लाख की ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार, ब्रह्मपारा में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। कोरबा में दंतेल हाथियों के हमले में 2 महिलाओं की मौत, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल, केंदई और एतमा नगर रेंज में 31 हाथियों का दल मौजूद। लाडली बहनों के खातों में चौथी किस्त जारी, ग्वालियर से सीएम शिवराज ने राशि की ट्रांसफर, विकास की सौगात दी। ग्वालियर को सीएम ने 387 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी, 23 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल, कमलनाथ ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिंधिया की सलाह, प्रदेश में आईफा अवार्ड कराने पर किया जुबानी हमला, कहा बोरिया बिस्तर बांधिए जाइए बोले। नरसिंहपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बच्चे, कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे बच्चे, स्टेशन थाने में शिकायत दर्ज। रतलाम में बीजेपी की जनआशीर्वाद यात्रा में विवाद, भाजयुमो के दो नेता आपस में भिड़े, शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार को बीजेपी ने नोटिस जारी किया। रतलाम में मोबाइल टावर पर चढ़ा सिरफराशिक, एक तरफा प्यार का मामला, नामली कस्बे की घटना।